गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने दांतों की शेप्स के बारे में पढ़ा था और कितने टाइप्स के होते हैं वो सब और उनका क्या काम है वो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टूथ डिके यानी कि दांतों में सड़न के बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये पेज नंबर 16 है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे आपको ये हमारे जो दांत हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसमें मैं आपको बताऊँगी सड़न कैसे शुरू होती है दांत में। तो देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना, या तो हमारे दांतों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है जिसमें दांत में खाना फंस जाता है, या फिर कभी दांत में रात में खाओ खाना वो चुपका रह जाता है। तो उससे क्या होता है ना कि जब हम ब्रश करते हैं, अपने दांतों को साफ़ करते हैं, वो ब्रश भी वहाँ तक नहीं पहुँचता और वो वहीं फंसा रह जाता है। तो इसमें क्या होता है ना, हमारे दांतों में जर्म्स या बैक्टीरिया होते हैं। तो जब हमारे दांतों में कोई खाना फंस जाता है तो वो जर्म्स उस खाने को खाते हैं, और जब वो खाते हैं तो फिर वो एसिड बनाना शुरू करते हैं, और उस एसिड की वजह से हमारे दांतों में गलन और सड़न होना शुरू हो जाती है। तो जब हमारे दांतों में गलन या सड़न शुरू होती है, कैविटी होने लगती है, तो अगर आप ध्यान से शीशे में देखेंगे तो देखिए इस तरीके की ना ब्लैक कलर की एक बहुत छोटी सी लाइन आपको दिखाई देना शुरू होगी। ये जो आप देख रही होती है स्मॉल कैविटी, छोटा रूप होता है ये कैविटी का। उसके बाद अगर हम ध्यान ना दें और वो चीज़ बढ़ने लग जाए तो फिर वो इस तरीके से दिखने लगती है। पहले ऐसे दिखती है स्टार्टिंग में, उसके बाद देखो और ज़्यादा, मतलब ये सड़ने लगते हैं जो दांत इस तरीके से। और इस केस में हमें बहुत पेन महसूस होता है हमारे दांतों में। तो जब ये होता है ना तो कई लोग क्या करते हैं, घरेलू नुस्खे अपनाते हैं कि लौंग रख लेते हैं या फिर बहुत सी चीज़ें रख लेते हैं। तो ये चीज़ ना करके हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है जो हमारे सारे दांतों को ख़राब कर सकती है। उसके बाद जो हमारे दांत में, आपने अगर ध्यान से देखा हो तो देखिए, जब दांत, ये जैसे दांत है, यहाँ पे इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है पर आई होप आप समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा। ये जो दांत हैं, कभी कभी ध्यान से देखें ना तो नीचे यहाँ इस साइड में कुछ वाइट वाइट सी परत जमने लगती है। वो गंदगी जो, वो जो जमने लगती है ना, उसको बोलते हैं प्लैक। और जब वही चीज़ और चेंज होने लगती है तो वो थोड़ी थोड़ी हार्ड होती है, येलो कलर की हार्ड एक परत सी जम जाती है दांतों पे, जिसको हम टार्टर बोलते हैं। तो ये आपको मैंने बताया कि दांतों में जो जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे केयर ऑफ टीथ। हम अपने, मतलब दांतों की केयर किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, जब भी हम अपने दांतों की प्रॉपर केयर नहीं करते, अच्छे से नहीं केयर करते हैं, तो हमारे दांत खराब होना शुरू हो जाता है। तो हम अपने दांतों की केयर किस तरीके से करते हैं, कुछ स्पेशल चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं जिनके बारे में मैं आपको अब बताती हूँ। देखिए, जब भी हम सुबह उठें तो सबसे पहले हमें अपने दांत साफ़ करने चाहिए, मतलब ब्रश करना चाहिए, सुबह भी और रात को जब हम सोने जाते हैं उसके पहले भी हमें दांतों को साफ़ करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है आपका कि हमको कैरेट, रेडिश और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो कि हमें खाना चाहिए, जिससे कि विटामिन और मिनरल्स हमारे दांतों को ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं और हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है। उसके बाद आता है आपका कि हमको दूध पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? दूध में कैल्शियम होता है, आपको सबको पता होगा, जो कि हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छा है। और हमें मिठाइयाँ और चॉकलेट्स कम ही खानी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे दांतों को बहुत नुकसान पहुंचता है। कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं मानते और स्वीट्स, चॉकलेट्स खाते हैं, और जो उनके पेरेंट्स होते हैं उन्हें डांटते भी हैं। वो इसीलिए डांटते हैं क्योंकि दांत ख़राब हो जाते हैं उससे। और जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद क्या होता है ना कि खाना खाते हैं फिर जाके लेट जाते हैं, सो जाते हैं या कोई और काम करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद हमें हमेशा, मतलब पानी से दांतों को साफ़ करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, हमें हमेशा डेंटिस्ट के पास जाने से डर लगता है कि कहीं हमारे दांतों में कोई दिक्कत ना निकल आए या वो हमें इंजेक्शन ना लगा दें। तो देखिए, वो डर अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप जब भी, आप मतलब दांतों के बारे में बात आती है तो हर 3 महीने बाद हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और अपने दांतों की कंडीशन उनको दिखानी चाहिए, जिससे कि अगर हमारे दांतों में कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है वो दूर होगी। तो ये आपके, मैंने आपको बताया कि
केयर, दांतों की केयर कैसे करते हैं। उसके बाद आता है आपका माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। तो ये मैंने पहले भी बताया आपको माइक्रोब्स क्या होते हैं। ये छोटे छोटे ऐसे मतलब लिविंग थिंग्स होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, इनको अगर देखा भी जा सकता है तो सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। ये हर जगह मिल सकते हैं आपको, बहुत सी जगह पर ये पाए जाते हैं। तो देखिए, जो मतलब माइक्रोब्स हमारे मुंह के अंदर होते हैं उनको हम बोलते हैं जर्म्स, जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं हमारे दांतों के लिए। और ये हमारी बॉडी में अगर एंटर कर देते हैं तो बहुत तरीके की बीमारियां फैला देते हैं, ये इन्फेक्शस डिसीज़ फैला देते हैं, जिनके बारे में अब मैं आपको बताऊँगी। देखिए यहाँ पर देयर आर फोर काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, चार टाइप के आपको बताए गए, जिसमें कि पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? ये एक सिंगल सेल बैक्टीरिया होता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जिनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। देखिए ये सब अलग अलग शेप्स के आपको दे रखे हैं, ये है बैक्टीरिया। तो इससे क्या होता है, इससे कौन सी डिसीज़ होती है? इससे हमें टाइफाइड होता है और भी बहुत तरीके की बीमारियाँ होती हैं, ये होता है बैक्टीरिया। उसके बाद आता है सेकंड है वायरस। वायरस क्या होता है? देखिए अभी जो चल रहा है आपका, जो कोरोना चल रहा है ना, वो भी एक वायरस के कारण हो रहा है। देखिए वायरस क्या होता है, ये एक बहुत छोटा सा बैक्टीरिया होता है जिससे हमें ये कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोल्ड हुआ, पोलियो हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ। तो ये जो होते हैं, ये सेल्स जो होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में जब एंटर कर जाते हैं तो इस तरीके की बीमारियाँ होने लगती हैं। फिर आता है आपका फंगी बोल सकते हैं, फंजाई बोल सकते हैं, ये जो होती हैं ना, इससे क्या होता है, ये आपको दे रखी है, देखिए इस टाइप की होती है ये। इससे क्या होता है कि इससे आपको स्किन डिसीजेज होती हैं, जैसे दाद हो जाना, जिसको हम रिंग वॉर्म बोलते हैं, दाद हो जाता है, जहाँ पे खुजली होती है वो होता है, वो किससे होता है? फंगी के कारण होता है। अब आता है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है ना, ये इस टाइप का मतलब ऑर्गेनिज्म होता है जिससे कि मलेरिया और डायसेंट्री, इस तरीके की बीमारियाँ होती हैं इससे। अब आते हैं यूज़फुल माइक्रोब्स। ये थे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब ये हैं यूज़फुल। तो देखिए सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क टू कर्ड, कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जो दूध को दही में चेंज करता है, शुगर को एल्कोहल में चेंज करता है, तो ये यूज़फुल माइक्रोब्स होते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि जो डेड प्लांट्स हो जाते हैं या डेड एनिमल्स होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में, तो उससे हमारे जो आसपास की जो जगह है उस सबको क्लीन करने में, क्लीन रखने में हेल्प करता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ह्यूमंस की बॉडी में विटामिन मतलब प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। कुछ बैक्टीरिया फूड डाइजेस्ट करने में एनिमल्स के हेल्प करते हैं। एक होता है जिसको हम यीस्ट बोलते हैं, ये केक और जो ब्रेड होती है उसको ब्लफी बनाने में हेल्प करती है। वीट मशरूम विच इज़ अ फंगस, हम मशरूम खाते हैं जो कि एक फंगस होता है। और देखिए हमें मेडिसिन जो मिलती हैं वो पेनिसिलिन फ्रॉम अ फंगस कॉल्ड पेनिसिलिया। तो इससे हमें जो दवाइयाँ मिलती हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। तो ये जितने भी मैंने आपको अभी माइक्रोब्स के बारे में बताया है ना, ये यूज़फुल थे, और यहाँ पे जितने मैंने आपको माइक्रोब्स के बारे में बताया वो हार्मफुल थे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आपका वर्क ये है, आपको फिर से ये चैप्टर यहाँ तक रीड करना है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें दे रखी हैं, सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और आपके जो वर्ड मीनिंग्स हैं इस चैप्टर के वो कल आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिए जाएंगे, और परसों इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर भी भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।